अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिस कुकिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं खड़े मसालों का खीमा, जो बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए तेल यानी कि ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम खड़े मसाले। उसमें हम ऐड करेंगे शाही जीरा 1 टी स्पून, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 टी स्पून खड़ी काली मिर्च, 2 दालचीनी और 4 से 5 कबाब चीनी। और फिर इसमें ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च, तकरीबन 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सारे खड़े मसालों को थोड़ी देर ऑयल में भुनेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप फुल स्लाइस की हुई प्याज, और हमने जो है प्याज को अच्छी तरह से तेल में पकाना है, ताकि सारी जो प्याज है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए, नरम सी पड़ जाए। जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट होती है, तब तक हम जो है पनकुट्टी में हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। आप इसे नॉर्मली ग्राइंडर में भी बना सकते हो। ये देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी तरह से नरम पड़ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे हम वो हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था, यानी ग्रीन चिलीज का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से इसे फ्यू मिनट्स के लिए पकाना है, ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की रॉ स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी, और इसमें ऐड करेंगे हम 250 ग्राम खीमा यानी कि मिन्स मीट। आप यहाँ पर कोई भी मीट ले सकते हो, बीफ या फिर मटन। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, सारा जो कुछ है अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि सारा खीमा और जो हमारा प्याज हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है आपको, अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। भुनाई करने के बाद हम इसे लिड से कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे, ताकि सारी हमारा जो मीट है, हमारा खीमा है, बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से पकाया है, ताकि हमारा सारा खीमा जो अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक एज़ पर टेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे काले मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून से बढ़कर थोड़ा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक और बार। अच्छे से हमारी खीमे की बनाई जो है अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही यानी कि कर्ड 1 टेबल स्पून भरकर, सारा दही ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा जो दही है अच्छी तरह से खीमे से मिक्स हो जाए आपस में। अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने इसे कुक होने देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि सारा जो दही है वो भी कुक हो जाए और हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाए और हमारा खीमा जो है वो दम हो जाए। और ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमारा खीमा भी अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ते यानी करी लीव्स, तकरीबन 1 मुट्ठी भरकर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, मिंट स्प्रिंकल करेंगे। और ये लीजिए आपका मसालों वाला, खड़े मसालों वाला खीमा जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कीजिए, या फिर इसे चावल के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लास्ट में तौर पर लाइक कीजिएगा, चैनल को लास्ट में तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए हम इसे सर्व कर रहे हैं, ये कितना मज़े का लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो टिल देन मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा,